सत्संग शाक आने वाली हूँ, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माई चैनल। यस, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी एंड बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपना होम टूर आपके संग शेयर करूँ। तो यस, मैं आज आपके संग मेरा होम टूर शेयर करने वाली हूँ कि मेरा घर कितना बड़ा है, कितना छोटा है एंड कैसा है, और हम 6 लोग इसमें कैसे रहते हैं। 6 लोग मतलब मुझे मिलाकर के मेरी 2 बहनें और एक भाई और मम्मी पापा। यस, मेरे दादा दादी नहीं हैं ना, मेरे नाना नानी हैं। सो यस, हम 6 ही लोग रहते हैं इस घर में। सो देख लेते हैं कि मेरा घर कैसा है एंड कैसे ऑर्गेनाइज है। गाइस प्लीज़ थोड़ा नेगेटिव मत लीजिएगा, मेरा घर थोड़ा सा फैला हुआ रहता है। उसका रीज़न ये है कि हम लोगों का केटरिंग का काम भी है एंड मेरे फादर का केटरिंग का काम है, राखी का काम है एंड हम सीजनल बिजनेस करते हैं, लाइक होली, दिवाली, सभी तरह के सीजनल बिजनेस करते हैं मेरे पापा, और केटरिंग का काम है, मम्मी का टिफिन सेंटर है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा चीज़ों को सेव करके रखना पड़ता है एंड चीज़ें इधर उधर रखी हुई रहती हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज का प्रॉब्लम आता है। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे इतना बड़ा घर होने के बाद भी आपको स्टोरेज का प्रॉब्लम आता है। तो ये सीजनल बिजनेस में ऐसा होता है कि हमारा राखी का होलसेल बिजनेस है, जिसमें अगर राखी बच जाती है तो वो हमको स्टोर करके रखनी पड़ती है। होली का बिज़नेस है तो होली में जो भी मटेरियल हमारा बच जाता है, पिचकारी, रंग वंग, वो भी हमें स्टोर करके रखना पड़ता है। एंड केटरिंग में हमारे जो भी बर्तन वगैरह रहते हैं वो भी हम घर में ही यहीं पर ही रखते हैं। इनफैक्ट पुराना वाला जो घर है वहाँ पर भी थोड़ा सामान है, तो वो अभी तक हम यहाँ पर लाए ही नहीं है, वो वहीं पर है 2-3 सालों से, तो बहुत सारा सामान है। सो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा घर आपको मैसी दिखेगा, बट अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट रहेगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। सो गाइस प्लीज कीप वॉचिंग। सो गाइस, ये है मेरा एंट्रेंस बाहर का स्टार्टिंग पोर्शन। सो गाइस, ये मेरे घर का एंट्रेंस है, आप देख सकते हो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जिसकी वजह से ये गंदा हो रहा है एंड सी ऐसे ही रहता है हमारा घर, मैस थोड़ा सा। ये मेरे भाई की साइकिल है, इधर से मेन गेट है एंड इधर से एक और एरिया है, ये एक वॉश एरिया है जो आप देख सकते हो, यहाँ पर बर्तन वगैरह धुलते हैं। सो स्टार्टिंग करते हैं यहीं से, ये मेन गेट है, सी ये कुछ इस तरीके का मेन गेट है, यहाँ से एंटर करते हैं तो ये है हॉल, और यहाँ पर सी यहाँ पे 2 सोफ़े लगे हुए हैं, इधर एक सोफ़ा लगा हुआ है, इधर एक बेड लगा हुआ है जिस पे लैपटॉप्स रखे हैं एंड इधर टीवी लगी है, उधर मेरे दादा दादी की फ्रेम्स लगी हैं एंड इधर स्पेस खाली है, इधर एक स्टूल और रख रखा है कभी ऐसे ही बैठना है खाना वगैरह खाने के लिए। सो यहाँ पर ये डाइनिंग लगी हुई है, उसके पास में ये है फ्रिज, सी सो ये है हमारा फ्रिज एंड इधर डाइनिंग टेबल है जिस पर अभी फ़िलहाल के लिए है 4 ही सीट लगी हुई है, 2 सीट्स इसकी इधर उधर रखी हुई होगी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरा घर बहुत ज़्यादा मैस रहता है, इधर वाला आपको एरिया दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा अंधेरे में है, तो इधर वैसे तो लाइट नहीं है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर वॉश एरिया है, ये वॉश एरिया है जो कि मम्मी पापा के रूम के जस्ट सामने है लाइक दिस, एंड यहाँ पर थोड़ा सा स्टोर रूम है जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा गंदा है सी, ये एक स्टोर रूम है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है एंड ये मम्मी पापा का रूम है। सो सी अगेन ये बहुत ज़्यादा मैस है, मैंने कहा था एक चेयर ये रखी हुई है, एक चेयर ये वह रखी है डाइनिंग टेबल की, एंड वो मेरी पुरानी वैनिटी है, वो मेरे भाई की किताबें हैं एंड वो स्टूल्स हैं जो कि आपको पूरे घर में मिलेंगे। तो यस, ये मम्मी पापा का बेड है, तो अब यहाँ से चलते हैं। ओके, सो ये हो गया हॉल एंड मम्मी पापा का रूम। नेक्स्ट ये है किचन, सो जो दूसरा वाला गेट एंट्रेंस के पास में था वहाँ पर है ये किचन। सो बहुत ज़्यादा गंदा है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, जस्ट ये हॉल का गेट है, हॉल की गेट के इस साइड पर ऊपर की साइड पे सीढ़ियाँ जाती हैं, तो चलते हैं ऊपर क्या है। सी यहाँ पे सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं फर्स्ट, और ये अनदर हॉल है जहाँ पे हमारे गणपति पप्पा थे जो अभी हाल जस्ट 5-10 मिनट पहले ही गए हैं, एक और मंदिर है वो यहीं रहेगा, दूसरा वाला हट जाएगा। सो ये 2 कूलर हैं जो कि गर्मी में आते हैं बाहर यूटिलाइजेशन के लिए,
सो जस्ट ये है सीढ़ियाँ और सीढ़ियों के पास है मेरा रूम। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे वॉशरूम है एंड ये मेरा रूम सी। सो फिलहाल तो बहुत अच्छे से मैंने उसको रख रखा है क्योंकि मैंने कल ही सफाई की थी। ऐसा कुछ प्लान नहीं था इस वीडियो को आज शूट करने का। तो ये मेरा रूम है, रूम टूर मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये हॉल है सी। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको सीढ़ियाँ दिख जाएंगी एंड यहाँ से कुछ इस तरीके का एरिया दिखेगा। जस्ट ये एरिया है, ये मेरा रूम है एंड ये मेरी सिस्टर का रूम है। सो मैं आपको उसका रूम भी बता देती हूँ सी। एक बेड यहाँ पे लगा हुआ है, एक बेड यहाँ पे लगा हुआ है, दो बेड मेरे रूम में थे, दो बेड यहाँ पर है। और ये वाला जो बैकग्राउंड है आपने देखा ही होगा, मैंने DIY किया था एंड ये उसका टेडी लगा हुआ है। ये वाला जो पलंग देख रहे हो ये पूरा टेडी से भरा हुआ है। यस, ये पूरा टेडी होन, इसमें सारे टेडीज हैं। सो ये एक बेड है, यहाँ पे आपको ये विंडो दिख रही है सी। यहाँ से आपको पूरा सब कुछ दिख जाएगा। सो ये है बालकनी गेट जहाँ पर लास्ट टाइम मैंने वीडियो शूट किया था सी। इधर यहाँ प्लांटिंग है, यहीं पर मैंने अपना वीडियो शूट किया था जो लास्ट मैंने कुर्ती हॉल किया था। थोड़ा थोड़ा इसको डेकोरेट किया हुआ है उसने रिसेंटली ही किया है। सो यस, ये था मेरी सिस्टर का रूम। अब हम चलते हैं टेरेस की तरफ। सो अगेन यहाँ पर जो सीढ़ियाँ थी यहाँ से सीढ़ियाँ हैं एंड ये मेरे शूज़ रखे हुए हैं क्योंकि मैंने मॉर्निंग वॉक जाती हूँ मैं। सो अब जा रहे हैं हम ऊपर छत की तरफ। सो ये रही मेरी टेरेस जिसमें मैंने ऑलमोस्ट आपको पूरी टेरेस दिखाई हुई है। तो अभी बारिश आ रही है, आप देख सकते हो सी बारिश आ रही है। सो गाइज यही था मेरा होम टूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ब्लेस्ड, बाय।